स्वागत है आपका हमारी YouTube फैमिली टेक कंटेंट में। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती या इंग्लिश बोलना कम आता है या पढ़ना कम आता है तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गूगल का ये एप्लीकेशन आपको किस तरीके से मदद कर सकता है आपको इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश समझने में। और इंग्लिश अगर कोई बोलता है तो आप उसे सुन भी सकते हैं, और कन्वर्सेशन वगैरह करनी है आपको किसी से, बातचीत करनी है अंग्रेजी या हिंदी में, तो वो भी आप कर सकते हैं, या किसी भी लैंग्वेज में जो आपको लैंग्वेज नहीं आती है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ट्रांसलेट, और ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी ऑप्शन है, जिसके ऑप्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ किस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, कोई भी टेक्स्ट है कहीं भी वेबसाइट वगैरह पर कहीं भी, तो आप उसका मतलब नहीं जानते तो आप क्या कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे तो पेस्ट करने के बाद आप उसका जो हिंदी है वो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप टाइप भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब जैसे कि आप अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इंग्लिश से आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और हिंदी से इंग्लिश करना चाहते हैं तो किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज में चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी, जिस लैंग्वेज में आप चाहें उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप नीचे चलाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा माइक का। आप इस माइक को ऑन करके भी अगर आप किसी वर्ड को बोलना चाहते हैं तो आप उसे बोलकर भी और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप चाहें उसे उस लैंग्वेज में। आगे चलते हैं, यहाँ पर कन्वर्सेशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ये माइक मिल जाएगा आपको, एक ये माइक मिल जाएगा, और एक ऑटो वाला माइक मिल जाएगा। यानी कि अब दो लैंग्वेज में अगर कोई दो लोग बातचीत करना चाहते हैं तो वो इसके जरिए आसानी से हो जाएगी। आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो इस पर क्लिक करके लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे हिंदी और इंग्लिश में बात करनी है, दो लोग हैं, एक है जो हिंदी नहीं जानता और एक है जो इंग्लिश नहीं जानता। जैसे कि मैं इंग्लिश नहीं जानता और सामने वाला हिंदी नहीं जानता, तो यहाँ पर हम आसानी से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देन उसके बाद हिंदी में जो बोलूँगा उसको ये ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में और स्पीक भी करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो सामने वाला इंग्लिश में बोलेगा उसे आप यहाँ पर सुनाएंगे और उसके बाद ये हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके सुना देगा कि सामने वाले ने क्या बोला है। और अगर यहाँ पर आपको ऑटो पर क्लिक कर देंगे तो इंग्लिश का होगा तो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा और हिंदी का होगा तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, हाउ आर यू, क्या हाल है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे इंग्लिश में बोला तो हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, और यहाँ पर मैं बोल दूँ क्या हाल है, How are you? तो कुछ इस तरीके से हाउ आर यू इसने बोल दिया। सो इस तरीके से आप किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, यहाँ पे बैक चलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड के कुछ की हैं उन्हें ये टेक्स्ट कॉपी करके हिंदी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या है, हिंदी इंग्लिश, आप इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप किसी भी और लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको लैंग्वेज भी मिल जाएंगे। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जैसे आपके पास कोई बुक है जिसकी जैसे कोई पैराग्राफ है तो उसे अगर आप स्कैन करेंगे इससे यहाँ से तो वो हिंदी में ट्रांसलेट डायरेक्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी फोटो है तो आप यहाँ से फोटो पर क्लिक करेंगे और फोटो किसे यहाँ से इम्पोर्ट कर देंगे इसे, उसके बाद ये स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि जो भी इंग्लिश में था वो यहाँ आ गया और जो हिंदी में इसका है वो नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि जो ये पैराग्राफ है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर हिंदी आपके इस एप्लीकेशन ने करके दे दी है। अगर आप किसी टेक्स्ट को स्कैन करना चाहते हैं, किसी बुक को स्कैन करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये इंग्लिश की एक बुक है और इस बुक को मुझे अंग्रेजी में अगर इसमें से किसी भी पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इस कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इसे स्कैन कर लूँगा। स्कैन करने के बाद यहाँ से आप पॉज ट्रांसलेटर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये पैराग्राफ हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। अभी फिलहाल थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश आपको दिखाई दे रही होगी, अगर आप सही से इसे यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी इंग्लिश दिखाई नहीं देगी, प्रॉपर ऐसा लगेगा जैसे कि ये हिंदी की बुक हो और जिसे आप अपने कैमरे में स्कैन कर रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल टेक कंटेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।